मुख्यमंत्री से ज्यादा तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की चलती है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये बात पूर्व सीएम के बोल है। जी हाँ, पूर्व सीएम अशोक गहलोत के। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान की सियासत में गहमा गहमी एक बार फिर से बढ़ गई है। तत्कालीन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधना शुरू कर दिया है। यूं तो पहले भी दोनों पार्टी के नेता एक दूसरे को घेरने में कोई मौका नहीं छोड़ते थे, पर अब मानो ऐसा लग रहा है जैसे दोनों में जबरदस्त ठन गई है। जहां एक तरफ गहलोत ने भजन लाल सरकार को रिमोट कंट्रोल कह डाला, तो दूसरी तरफ सीएम भजन लाल ने भी उनकी बातों का जवाब देने के लिए बिना देर किए मैदान में आस्तीन चढ़ाकर उतर आए। जैसे ही दिया कुमारी का नाम लेकर गहलोत ने भजन लाल को घेरने की कोशिश की, तो भजन लाल भी पायलट का नाम लेकर गहलोत को लपेटे में ले लिया और उनको सुनाते हुए दोनों ने एक दूसरे पर किस तरीके से शब्दों का प्रहार किया, ये आप देखिए। और मैंने सुना कि मुख्यमंत्री ज्यादा बहुत डिप्टी सीएम के बारे में ज्यादा उम्मीद चलती है, तो इस प्रकार से कैसे काम करेगा? गवर्नेंस हो क्यों नहीं रही है? गवर्नेंस हो क्यों नहीं रही है? और मैं समझता हूँ इसका दोष सिर्फ मुख्यमंत्री पे नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने रिमोट कंट्रोल चलाने का फैसला किया हुआ जो डेमोक्रेसी की भावना के खिलाफ है। इलेक्टेड जो मुख्यमंत्री होता है उसकी अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी से सरकार चलती है, गवर्नेंस होती है, अच्छी गवर्नेंस होती है। इन्होंने जो कर रखा है वो रिमोट कंट्रोल कर रखा है। डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर मिस्टर सुधांशु पंत जो आपका चीफ सेक्रेटरी है, हमारे लिए मुद्दा है और मुद्दा बनाएंगे कि मुख्यमंत्री की अथॉरिटी जो काम होनी चाहिए थे किसी पार्टी के मुख्यमंत्री को, उसकी अथॉरिटी कम होगी तो सबसे अधिक भुगतना पड़ेगा जनता को, क्योंकि हम विपक्ष में हैं तो हमारी जिम्मेदारी है हम वो बात उठाएं, वो मुद्दा बनाएं जिससे कि पब्लिक का लाभ, मतलब पब्लिक को उसको बेनिफिट मिले या न्याय हो, गुड गवर्नेंस हो। बिना अथॉरिटी के गवर्नेंस कर नहीं सकता मुख्यमंत्री। जिस प्रकार से आनंद फानंद में जो ये फैसले कर रहे हैं 45,000 युवा मित्रों को हटा दे, राजीव गांधी युवा मित्रों को, फिर नाम से आपको तकलीफ थी, आप नाम बदल देते, एक ही डेथ हो गई, अब लोग परेशान हो रहे हैं, इनको वापस लेना चाहिए लोगों को, अच्छा काम कर रहे थे वो। आपसे मैं कहना चाहता हूं, आपकी सरकार तो होटल से चलती थी, आपकी सरकार तो सीएमआर से चलती थी, आप 3-3 महीने तक सीएमओ में नहीं आते थे, क्या बात थी ऐसी, क्या हो गया था? आप अपने डिप्टी सीएम की बात करिए, गहलोत साहब उनकी बात करिए, आप क्या कहते थे उनको, क्या क्या आपने शब्द यूज किए थे उनके लिए? ये भारतीय जनता पार्टी है, आपकी कांग्रेस है, कांग्रेस में जो संस्कार है उसके हिसाब से आपने काम किया और भाजपा अपने संस्कार के हिसाब से काम करती है, भाजपा जिस संस्कार से काम करती है वो शायद आप भूल गए उनको। आप देखिए कि आपने कितनी बार केंद्र की सरकार का फायदा उठाते हुए कितनी सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया, आपने किसी राज्य की सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया, आपने कितना दुरुपयोग किया। पहले अपने गले भान में झांकिए, गले भान में झांक करके देखिए कि हमारी कांग्रेस सरकार ने क्या क्या किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जरा अपने कर्मों को पीछे से उठाइए, देखिए और फिर बताइए जनता को हम क्या हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये विचार से लेकर के चलती है, संस्कृति से चलती है। गोरख साहब, आज आपको मैं इस मामले से और कहना चाहता हूं, आप अपना घोषणा पत्र पुराने निकाल लीजिए, आपने कितनी झूठी घोषणा की थी और आपने अमली दामा कितनों को पहनाया, ये मोदी जी की गारंटी है, आपकी गारंटी क्या है? आप कहते हैं गारंटी का सब
हमसे लिया है। अरे गहलोत साहब, आपकी गारंटी नहीं है तो आप किसको गारंटी दे सकते हैं? अगर इस देश में कोई गारंटी देने वाला है, गारंटी की भी गारंटी देने वाला है, तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।